हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज माय फर्स्ट व्लॉग। तो हम जाने वाले हैं आज मैं मुंबई से लेकर मेरे अपने शहर सीतापुर। तो मैं आपको इसी की जर्नी के बारे में आज बताऊंगा। तो मैंने घर पर कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था और एक ऑटो बुक कर लिया था क्योंकि मुझे ट्रैफिक अवॉइड करके जल्दी से स्टेशन पहुँचना था। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं घोड़बंदर ब्रिज पर, जिसे हम लोग फाउंटेन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। और ये काफ़ी सालों से डेवलपमेंट में चल रहा है और बन रहा है। बनते बनते हम सभी वसई विरार वाले लोग इसे देख देख कर थक चुके हैं। भगवान नहीं जाने ये कब बनेगा और कब हम इस ब्रिज के ऊपर से ट्रैवल कर पाएंगे। बाय द वे, इस ब्रिज के बनने से हमारी ट्रैफिक की समस्या जो है काफ़ी हद तक सॉल्व होने वाली है। काफ़ी ज़्यादा देर तक हमें ट्रैफिक में ब्रिज के ऊपर फंसे नहीं रहना पड़ेगा। तो ये भाई की गाड़ी में देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इन्होंने अपनी साइकिल को उसी में बांध कर ट्रैवलिंग कर रहे थे। अपने साइकिल ले जाने के लिए मस्त सा जुगाड़ लगाया। फिर वहाँ से हम मुड़ के निकल चुके थे थाने स्टेशन की ओर। थाने स्टेशन पहुँचने से पहले कोर्ट पर दीवारों पर मुझे बनी बनी सी मस्त सी पेंटिंग दिखी। उसके थोड़ा आगे पहुँचने के बाद हम आ गए थे बस थाने तालाब के पास। थाने तालाब की अगर सुंदरता आपको देखनी है तो आपको रात में ही आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लाइटिंग और तालाब का शांत पानी आपके मन को बहुत हैप्पी सा कर देने वाला है। ये फ्रेंड्स और फैमिली के साथ घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिलहाल दिन का टाइम है तो यहाँ पे काफ़ी कम ट्रैफिक है, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद पहुँच चुके हैं स्टेशन पे। यहाँ पे पहुँचते पहुँचते मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। एक घंटे की मेरी पूरी ट्रैवलिंग थी जो कि मुझे कंप्लीट कर लिया है। पहुँचते पहुँचते मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यास लग चुकी थी तो मैं ढूंढने लगता हूँ कोई शॉप। मुझे शॉप पर से एक ड्रिंक तो मिल गई थी जिसे पी के मैंने अपनी पूरी तरह से प्यास बुझा ली। अब मुझे इंतज़ार करना है ट्रेन का, एक घंटा इंतज़ार करते करते फिलहाल फाइनली वो टाइम आ चुका था जब हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली। वेट करते करते हमारा इंतज़ार ख़त्म होता है, हमारी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन काफ़ी नीट और क्लीन साफ सुथरी बाहर से तो दिख रही थी पर हमें पता नहीं था कि अंदर से कैसी होने वाली। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं कब ट्रेन रुके, हम अपने अपने कंपार्टमेंट पर जाके अपनी अपनी सीट पर कब्जा करें और सबके सब मस्त इंजॉय करें अपनी जर्नी को। तो हमारा कोच काफ़ी अलग ही यूनिक ग्रीन कलर का था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। सबके साथ मैं भी कैमरा बंद करके चुपचाप अपनी सीट पर कब्जा कर लेता हूँ और जाके सो जाता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ अंधेरा हो गया और हम आ चुके हैं इगतपुरी स्टेशन पे। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका था तो मैं सो गया जाके, कोई भी शूट नहीं कर पाया। फिर ट्रेन के पास आसपास थोड़ा सा टहला और सीटी बज चुकी थी जिसे मुझे लगता था मुझे ट्रेन में चढ़ना चाहिए। चढ़ने के बाद हम जाके चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। एक भाई भी हमारे सामने बैठे हुए थे जो काफ़ी अच्छे थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने काम से पता लगता है। लोग धीरे धीरे निकल जाते हैं यहाँ से और सभी लोग रात का खाना खा के आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। हमें इंतज़ार होता है कि कब वो टाइम आएगा जब हम इस ट्रेन से उतरेंगे, क्योंकि 24 घंटे की ये बहुत ज़्यादा लंबी जर्नी होने वाली है हमारी। खाना खाने के बाद हम सभी लोग तैयार थे अपनी अपनी नींद मारने को और चुपचाप अपनी अपनी सीट पर हम जाके सो जाते हैं। सुबह मेरी आँख खुलती है और मैं देखता हूँ कि काफ़ी अच्छा उजाला है, मॉर्निंग में काफ़ी अच्छा आ रहा है और कंपार्टमेंट में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था क्योंकि सबसे पहले मैं उड़ गया था। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मस्त से नज़ारे देखा और मैं चुपचाप वापस सो जाता हूँ और दोपहर को उठता हूँ 12 बजे, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा सोता हूँ। उठने के बाद मुझे लग रही थी भूख तो मैं कुछ ट्रेन में सोच रहा था अच्छा सा मिल जाए बट नहीं मिला। और पिज्ज़ा भी मैंने उस डोमिनो से ऑर्डर करना भूल गया था क्योंकि मैं स्टेशन से काफ़ी आगे आ चुका था। महाराष्ट्र के बाद हमने देखी उत्तर प्रदेश की हरियाली और वहाँ की ठंडी। कंपार्टमेंट में इतना ज़्यादा ठंडा नहीं लग रहा था बट हम सभी लोग जानते थे ट्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा ठंडा है। फिर धीरे धीरे हम लोग पहुँच जाते हैं लखनऊ, जहाँ पे काफ़ी सारे हमारे को ट्रैवलर्स तो उतर जाते हैं, कुछ ही साथ में रह जाते हैं। उतरने के बाद मैंने देखा कि मेरे कंपार्टमेंट में कोई भी नहीं था, मैं सिर्फ और सिर्फ अकेला सीतापुर तक ट्रैवल कर रहा था। तो मुझे पता चल गया था अब ये एक घंटे की जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है। तो मैंने ट्रेन से उतरने के बाद थोड़े बहुत शॉप्स लिए, इधर उधर मौसम का हाल देखा और चुपचाप मैं ऊपर वापस अपनी ट्रेन पर जाके बैठ गया। आजू बाजू में कोई भी नहीं था तो पूरी ट्रेन में आराम से टहलते घूमते मैंने अच्छे से वीडियो शूट कर पाया। 24 घंटे की लंबी जर्नी के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, मुझे एक अच्छे से शावर का इंतज़ार था, जल्दी से मुझे घर पहुँचना था। घर पहुँचने की खुशी अलग ही लेवल की होती है। जहाँ से मैंने देखा कि ट्रेन स्टेशन के पास पहुंच चुकी है और मैंने जल्दी जल्दी से अपना लगेज उतारा और मैं भागने लगा अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था, अपने घर पहुंचना था और जल्दी से वहां जाके आराम करना था। तो मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के टाटा बाय बाय।